देसी डंड के सबसे बेसिक वर्जन की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, स्टेज वन की एकदम। आज है फंक्शनल वर्कआउट डे, और फंक्शनल वर्कआउट में देसी डंड और सपाटे यही करूंगा आज। और ये बेस्ट एक्सरसाइज है, टू ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्सरसाइजेस टू ऐड इन द फंक्शनल वर्कआउट। तो ये वाली जो स्टेज है ना, ये स्टेज वन है देसी डंड की। इसमें क्या, आगे आना स्विंग करके और वापस पीछे ऐसे चले जाना, ग्लूट्स ऊपर करके, ग्लूट्स पीछे खींच के। इसे कोई भी कर सकता, कोई भी। इसको जब स्टार्ट करो ना, अगर एकदम बिगिनर हो या फिर काफी लंबे टाइम बाद वर्कआउट कर रहे हो, तो पहले इस मूवमेंट को मास्टर करो। 1 से 2 महीने यही मूवमेंट करो, इसके आगे मत जाओ। इसके आगे की जो स्टेजेस आएंगी ना, उस पर मत जाओ। स्टार्ट करो ना जब इसे करना, तो सेट्स के हिसाब से करो, 10 रैप के 10 सेट इस हिसाब से करो, और धीरे धीरे अपना काउंट बढ़ाओ हर सेट में, और टेम्पो स्लो ही रखो इसमें भी। जैसे और वर्कआउट में स्लो रखने के लिए बोलता हूँ ना, वैसे इसमें भी स्लो रखो। इसमें एकदम इंटेंसली सारे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं और स्क्वीज भी हो रहे हैं सेम टाइम, और फुल बॉडी काम कर रही है। इसमें ब्लड फ्लो जो होगा ना, काफी बेटर हो जाएगा। इसमें पंप पंप जो करते हैं ना, क्या पंप नहीं आ रहा मसल्स में, उस पंप के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है आज का जो कर रहा हूं। फेस पे देखो एकदम रेडनेस आ जाती है, ये इसी चीज का प्रमाण है कि ब्लड फ्लो कितना इंक्रीज हो जाता है ये वर्कआउट करते हुए। अभी ये इसका सेकंड स्टेज है देसी डंड का। अच्छा, देसी डंड को है ना डाइव बॉम्बर पुशअप्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदू पुशअप्स भी बोलते हैं। तो हिंदू पुशअप्स का ये सेकंड वर्जन है। इसमें क्या, स्विंग करके आगे आना और स्विंग करके वापस पीछे ऐसे जाना उसी तरीके से, और स्लो टेम्पो रखते हुए। अब इसमें क्या है ना, जब आगे आ रहे हैं तब तो ट्रैप्स डेल्टॉइड्स ये जैसे आगे आ रहे हैं, ट्रैप्स डेल्टॉइड्स आर्म्स, पीछे ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स और काव्स, इनमें बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है एकदम उस टाइम। और जब ऐसे पीछे जा रहे हैं इस पोजीशन में, इस टाइम लैट्स एब्डोमिनल क्वाड्स और काव्स, इन सब में अच्छा स्ट्रेच मिलता, तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी में काफी इंटेंस हो जाता। देखिए फेस एकदम रेड हो गया, वो इजीलिए। इसमें भी सेम ही है, जब स्टेज वन मास्टर कर लो ना आप, फिर इस वाले वेरिएशन को करना स्टेज टू को, जो भी करी है हिंदू पुशअप्स की। और अभी हो रही है सपाटे की स्टार्टिंग। ये इसमें क्या करना, एक डंड मारी फिर खड़े हो गए, फिर वापस डंड मारी फिर खड़े हो गए, ये है सपाटे अपने। इसको भी करने का तरीका यही है, पहले के 2 स्टेजेस मास्टर करो अच्छे से, टाइम लगेगा, फिर उसके बाद इस पर आओ। और ये भी सेट के हिसाब से करो, 10 रैप के 10 सेट करो इसके भी। और टेम्पो ना पहले स्लो ही रखो जब स्टार्ट करो इसे करना, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ। इस पे स्पीड बढ़ा सकते हैं। और जब ये करो ना, तो सरफेस थोड़ा ऐसा हो जहां पे फिसलन कम हो, स्मूथ ना हो वो सरफेस, थोड़ा रफ हो, नहीं तो फिसल जाओ, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है ना ये करते हुए। इसलिए अब ये जो वर्कआउट है ना आज का, फंक्शनल वर्कआउट, जिसमें कि 3 एक्सरसाइज मैंने ऐड करी है, ये वैस्कुलैरिटी के लिए एकदम बेस्ट है। जिसके मसल्स में वैस्कुलैरिटी नहीं आती ना, जो कहते हैं कि भाई वैस्कुलैरिटी नहीं आ रही बिल्कुल भी, नर्व्स नहीं दिख रही और पंप नहीं है मसल्स में, उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। मेरे भी डेल्टॉइड्स में, चेस्ट में, नीचे एब्स में एकदम इंटेंसली वैस्कुलैरिटी आती है जब मैं ये वर्कआउट करता हूं। और तो और जब ये नहीं भी करता ना, जब कुछ और ही कर रहा होता हूं, जैसे जिस दिन चेस्ट कर रहा हूं मान लो, या फिर बाइसेप्स कर रहा हूं, तब भी डेल्टॉइड्स में, एब्स में काफी अच्छी वैस्कुलैरिटी रहती है, फोर आर्म्स में। क्यों? क्योंकि
ये जो एक्सरसाइजेज है ना, मैंने पहले ही बताया, ये ब्लड फ्लो बहुत इंक्रीज कर देती है पूरी बॉडी में। और देख रहे हो फेस कितना रेड हो जाता करते हुए। और दूसरा फायदा क्या है इसका कि रॉ स्ट्रेंथ जो होती है ना अपनी बॉडी की, उसको इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट है। तभी इन एक्सरसाइजेस को मार्शल आर्टिस्ट बहुत करते हैं, यस जैसे कि पहलवान। और ये ठाकुर साहब आ गए, इन्होंने कोई डायलॉग मारा है यहाँ पे। तो इन एक्सरसाइज को है ना पहलवान और ये अपने मिक्स मार्शल आर्टिस्ट काफी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो स्ट्रेंथ के लिए भी सबसे बेस्ट चीज है ये। इसको अपने वर्कआउट में ऐड करो, वर्कआउट रूटीन में, और रिजल्ट्स देखो, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।